नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज आपके रामनगर कोलियरी में ये जो भीड़ देखी जा रही है, किस लिए? हम लोग अपना अटेंडेंस बनाने के लिए यहाँ डेली हम लोग आ रहे हैं। 22 तारीख से हम लोग चिट्ठी दिए हैं, अभी तक कोई चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहा है। जी साहब बोला आज होगा कल होगा, ऐसे करते करते 15-20 दिन बिता दिया। अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग बॉर्डर पार नहीं कर पा रहा, तो हम लोग ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा, ना ही यहाँ हम लोग का अटेंडेंस बन रहा है। तो किस तरह का परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है बॉर्डर में? अभी बॉर्डर में हम लोग को बॉर्डर सील है, हम लोग को जाने नहीं दे रहा, उधर से अप्रूवल नहीं है कि बॉर्डर को पास करके हम लोग जाएंगे, तो बॉर्डर नहीं जाने चलते सब कोलवरी बन रहा है। ECL BCL बगल में कोलवरी है, वो सब संस्था में अपना अपना जगह में हाजिरी बना रहा है। जो लोधना में करता है, बस्ता कोला में करता है, वो सबको यहाँ दामागोड़िया कोलियरी है, ECL का आपका बंजेमारी है, सब सब में बन रहा है हाजिरी। हम लोग किस किस जिले से यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए? यहाँ पे जितने मजदूर हम लोग को लोकल जितना है, आसनसोल है। किस जिले से? बर्धमान जिला से। और आपको यहाँ पे चेक पोस्ट में आपको किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ा? बॉर्डर फोर्स लोग सील कर दिया, हम लोग को जाने नहीं देता, बोल रहे नहीं जाने दे। किधर जाने नहीं दिया जा रहा? उधर जाने नहीं दे। किधर? झारखंड तरफ, झारखंड धनबाद हम लोग ड्यूटी करते हैं, धनबाद क्षेत्र के अंदर में अपना जिंदगी चासनला कोलोरी में। अच्छा, तो चासनला कोलोरी हम लोग को जाने का ऑर्डर नहीं है। कितने मजदूरों को इस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अभी 50-60 आदमी है हम लोग। तो आपका GM जो है यहाँ पे, फिर ऑफिसर जो है यहाँ का ऑफिसर वहाँ से आता है, वो लोग को हाजिरी यहाँ बन रहा है। कुछ ऑफिसर है उसका अटेंडेंस बन रहा है, हम लोग को वहाँ जो काम करता है उसका अटेंडेंस यहाँ बन रहा है, हम लोग को मजदूर का अटेंडेंस नहीं बन रहा है। तो आप लोग मजदूर जितने भी हैं वो परमानेंट है या टेम्पोररी है? परमानेंट सब सेल का ही है, सेल का है। अच्छा, तो आपका GM को ये खबर है? हाँ, GM को हम लोग दो बार हम लोग चिट्ठी दिया है, GM कुछ बोल रहा है, रिप्लाई नहीं। वहाँ से कोलवरी से हम लोग को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, हम लोग जब तक रिप्लाई नहीं देगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आपका नाम क्या हुआ? राजेश विजस। किस पद में आप यहाँ पे? माइनिंग डिपार्टमेंट है, चासनला कोलियरी। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि मालूम है, रामनगर कोलियरी में जितने मजदूर वर्कर हैं उन लोगों को चेक पोस्ट में आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इस परेशानी को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? बातें की देखिए, ये तो लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन का पीरियड में ये लोग वर्कर है चासनला कोलियरी का, ठीक है, चासनला जीतपुर कोलेरी का, और कोल कॉम्प्लेक्स एक है रामनगर जीतपुर चासनला, एक ही कंसर्न है, लेकिन स्थान भिन्न भिन्न है। तो इसमें जो CGM है, CGM वो CGM डिसीजन लेता है कि तीनों कोलेरी का क्या होगा। तो CGM के पास ये लोग दो रोज पहले चिट्ठी भेजा है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी GM साहब के पास गया था, यहाँ का GM साहब के पास रामनगर कोलेरी का, तो GM साहब बोला हाँ जैसे वो लोग चिट्ठी हमको दिया, हम चिट्ठी मेल करके भेज दिया CGM का पास। CGM को फ़ोन किया, CGM को पास चिट्ठी मिल गया, वो चिट्ठी देख रहा है, शायद कल तक डिसीजन हो जाएगा, कल तक डिसीजन हो जाएगा जो गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पता कल लग जाएगा, हम GM साहब से बात करके आए हैं। अच्छा, आज यहाँ पे आप लोग किस लिए हैं? आज यहाँ पे किस लिए आना हुआ? यही बात करने आया था। किससे? GM से? GM से वही यही लोग को लेके गया था। आपका नाम क्या हुआ? और नाम है गणेश घोष। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, रामनगर विलेज का रहने वाला। धन्यवाद। कोलियरी किस लिए आना हुआ है आपका? आज रामनगर कोलियरी हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पे रामनगर का कम से कम 50 मेंबर ऐसा है, 45 से 50 जो रामनगर सेल में ड्यूटी करते हैं, लेकिन यहाँ का जो जितना वर्कर आधा से ज़्यादा चासनला में ड्यूटी करते हैं वो भी सेल का ही भाग है। और हम लोगों का कहना है कि इससे पहले जितना लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन दो बार किया गया है, दोनों लॉकडाउन में आप देखिए कि यहाँ के लोगों को जाने में बहुत समस्या हो रहा है, एक भी आदमी बॉर्डर पार नहीं कर पा रहा, जिसके कारण वो हाजिरी मार नहीं पा रहा, और जब यहाँ पे हाजिरी रोक दिया गया है, यहाँ भी हाजिरी नहीं हो रहा। आप ECL BCCL किसी को भी देखिए, जो भी गवर्नमेंट का संस्था है, हर संस्था का हाजिरी उसका जगह पे हो रहा, लेकिन यहाँ पे रामनगर ऐसा है कि इसको बंद कर दिया गया है, जिसमें कि यहाँ के कुछ मैनेजर हैं जिनका सेल में ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनका हाजिरी यहीं पे रामनगर में हो रहा, लेकिन यहाँ के वर्कर को वो सुविधा नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा? हम लोग इसी के लिए आए हैं, सब लोगों के लिए
कि सबका जितना भी दिन का हाजिरी उसको भी देखा जाए और कल से या परसों से। ये खबर आपको ये खबर जो है आपको किस तरह से मिला, ये जानकारी कैसे मिली यहाँ के लोगों के द्वारा? हमारे तो पास आए, हमने लेके सबको इसकी जानकारी आपको विधायक को है? हाँ, विधायक के पास गए हम लोग जाके समस्या को बताएं, उजलदा अपने पेपर में अपने पेड़ में लिख के दिया कि यहाँ पे चिट्ठी किए हम लोग टू द एडीएम जीएम। और इसके बाद इसके चिट्ठी और कहाँ कहाँ आपको देना होगा? एडीएम को देंगे, कुल्टी थाना में देंगे और ईसीजीएम को देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपका इस तरह से मजदूरों का अगर परेशानी दूर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या एक्शन होगा? अगर इसका परेशानी दूर नहीं हुआ तो हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे, हो सकता है स्ट्राइक करें हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो नज़रिए से देखा जा रहा है। कुछ मैनेजर को चास ना लगा ही, उनको यहाँ पे हाजिरी हो रहा, लेकिन यहाँ का जो वर्कर है उनका हाजिरी नहीं हो पा रहा। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह जीएम ना करें और सबके समस्याओं का समाधान करें कि 50-50 वर्कर है यहाँ गाँव का, आज दो महीना लगभग होने जा रहा है लॉकडाउन का और कोई हाजिरी मार नहीं पा रहा। टोटल जितने भी लेबर हैं, वर्कर हैं, वो लोग परमानेंट यहाँ पे रहते हैं, जॉब सब गवर्नमेंट का है, डेली अप डाउन करते हैं, तो उसके बावजूद अगर ये लोग अगर अपना हाजिरी नहीं बनाए तो उन लोग का सैलरी मतलब कट हो जाएगा क्या? हाँ, ये तो कर सकते हैं वो लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चाहे तो हाजिरी मारने के लिए इन लोगों को परमिशन दिया जाए यहाँ पे, चाहे तो चास नाला भेजने का कुछ प्रबंधन किया जाए। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम अरमान खान हुआ, एक्स काउंसिलर खालिद खान के भाई, वार्ड नंबर 66।